एयरपोर्ट के लिए रेंट होने थे, इसलिए मैंने रैपिडो निकाली और निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। और ये रैपिडो ऐप जो है उससे फ़ायदा मिलता है, जल्दी पहुँचेगा, मुश्किल वक्त में साथ देता है आराम से, बस कहीं रुकने का नाम नहीं होता इसमें, आप दे सकते हैं। नहीं, कश्मीर की खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। और रैपिडो अगर मैंने नहीं ली होती तो पॉसिबल तो था कि मैं अपनी फ़्लाइट जो है मिस कर लेता, बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ। और रैपिडो वाले को मैंने 20-30 रुपये एक्स्ट्रा ही दे दिए, उसका थैंक यू, उसको उनको टाइम भी पहुँचा। बहुत ही प्यारे नज़ारे थे। देखिए एयरपोर्ट का रास्ता चंडीगढ़ वाला कितना प्यारा है, खूबसूरत एरिया। देखिए आसपास में ये पूरा एरिया जो है एयरपोर्ट का एरिया है, और सामने एयरपोर्ट का सिस्टम सामने नज़र आ गया। अभी हम साइड में आ गए हैं। निकल एयरपोर्ट, एस्केलेटर भी नहीं चलते हैं, पहले लेट हुए हैं। ये डिपार्चर है, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, उम्मीद है क्या लोग करेंगे अंदर जाना। मोहाली एयरपोर्ट पे हूँ मैं इस वक्त, बस तैयारी कर रहा हूँ, बोर्डिंग पास ले लिया है मैंने। आईडी दिखाने को बोला, स्कूटी चेक कराना है अभी यहाँ से, तो बस खाली यही पास होके फिर करता हूँ मैं आपको। बोर्डिंग कर ली हमने, सॉरी बोर्डिंग नहीं, हमने स्टोरी चेक इन कर लिया है, वहाँ से ओके हो गया है। ये हमारे पास आ गया है बोर्डिंग स्लिप, यहाँ पर ये बहुत सारे मॉल्स हैं, लिफ्ट्स हैं, पेटीएम है, स्टेट बैंक का भी है, साथ में दारूबाज की दुकान भी है, सिगरेट वालों के लिए भी है और रेस्टोरेंट भी है। मैं गेट नंबर 8 पे जाना है और हमारी फ्लाइट स्टार्ट होने वाली होगी। अब खाने के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, वैसे मेरे पास स्नैक्स हैं। हमारा नीचे है, देखिए कुछ जा रहे हैं सारे बोर्डिंग करने के लिए, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। चंडीगढ़ का ये एयरपोर्ट है, मोहाली बोलते हैं इसको, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट।
ये 7 और 8 है शायद हमारा प्लान ही होगा अभी। अच्छा एयरपोर्ट है, कुछ खाने को लेते हैं, बाद में जहाज़ में नहीं ले पाते हैं। 1 घंटे की फ़्लाइट है, नहीं 2 घंटे की फ़्लाइट है, 4:15 निकलेंगे, तकरीबन 6:15 बजे 6:30 बजे पहुँचेंगे हम। यहाँ से मैं अभी एक लेस और कोल्ड ड्रिंक ले लूँगा, थक चुके हैं आज दिन भर यहाँ वहाँ दौड़ दौड़ करके। और मैंने आज 2-3 जगह मीटिंग कर ली है रिगार्डिंग वर्क वीज़ा टू यूरोप। अगर आप यूरोप है, कनाडा है, यूके है, अगर आपके पास अच्छी खासी रकम है 6 से 7 लाख रुपए, तो आपको यूरोप में जॉब में आपको दिला दूंगा इंशाल्लाह। अगर आपके पास 15 से 20 लाख रुपए है तो आपको कनाडा में वर्क मिल जाएगा इंशाल्लाह। बस पेमेंट होनी चाहिए आपके पास ठीक ठाक। मैंने उनसे बात कर ली है और 100% गारंटी है, श्योरिटी मैं देता हूँ कि आपको मिल जाएगा। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, कर रहे हैं। ये हमारा प्लेन है, अब हम निकल चुके हैं प्लेन पकड़ने के लिए। तो बस रुक चुकी है, अभी हम सारे निकलेंगे बाहर, उसके बाद हम चलेंगे प्लेन में। हमारा जहाज यही है, मुझे सभी वाला जहाज बता सा है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कान में। और यह रहा एयरपोर्ट चंडीगढ़, इतना प्यारा है चंडीगढ़ का एयरपोर्ट, बहुत ही बकवास है ये जहाज, मुझे पसंद है। डोमेस्टिक इंडिया जहाज 4 स्टार है, अच्छा अच्छा लेकिन क्या करता है कान में आवाज़ नहीं आती है जहाज के बाद सामने, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा छोटा है। अभी हम आ चुके हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मैंने वीडियो बनाई थी पूरी एक इसकी जहाज़ के टेक ऑफ की चंडीगढ़ से, वो वीडियो ही कहीं खो गई, रिकॉर्ड ही नहीं हुई, अचानक मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था जिसकी वजह से कि वो शायद सेव ही नहीं हुई। चलिए बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जो न था हो गया है। अब आप देखिए नज़ारे, यहाँ के बेहतरीन नज़ारे हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे ये सारे नज़ारे।